खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से है, जहां पर 5 जनजातियों का एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ। आप सभी का सबसे तेज खबर शास्त्री चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ स्थित रंग कल्याण भवन गोमती नगर विस्तार से है, जहां पर मूल आदिवासी जनजात संस्था संपूर्ण भारत का एक दिवसीय सम्मेलन किया गया, जिसमें 5 जनजात आदिवासी थारू, बोक्सा, भोटिया, सौका, जौनसारी एवं राजी का एक दिवसीय सम्मेलन लखनऊ की राजधानी रंग कल्याण भवन गोमती नगर विस्तार में संपन्न हुआ। इसमें अनुसूचित जनजात मूल आदिवासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंच की अध्यक्षता फल सिंह बमियाल के द्वारा की गई, जिसमें 5 जनजात के मूल आदिवासी प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व दिया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण शिखा राणा, सत्तू देवी, गंगा सिंह अटवाल, लक्ष्मण राणा, सत्य नारायण थारू, भागीरथी श्याम नारायण राणा, रामधनी चौधरी, श्रीनिवास थारू, कर्मवीर राणा, गोपाल सिंह, शेर बहादुर राणा ने अपने अपने विचार रखे। 150 सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिन्होंने आदिवासी समस्या सुलझाने के लिए विचार व्यक्त किए। इसमें उत्तर प्रदेश मूल आदिवासी जनजाति के अन्य जाति द्वारा सरकारी तंत्र से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर अवैध रूप से नौकरी करना, जिसमें मूल जनजातियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति को प्रमाण पत्र न मिलना एक समस्या है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य उत्तराखंड बनने से पहले नौकरी कर रहे और यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। इस मौके पर रामखंड राणा, बीके सिंह, ईश्वरजी थारू, बलराम थारू, मंगल प्रसाद राणा, सत्यनारायण थारू समेत कई जनजाति महिला पुरुष मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। लेकिन हम लोग मूल आदिवासी,